क्या बात है, ठंडा ठंडा पानी, कूल कूल गर्म ही दो, ये तो लेने के वो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक है, घर से हैं? आप सोच रहे होंगे भाई कहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, और हम लोग इस वक्त गांव में ही हैं बाबू भाई के, और आप लोग को बहुत सी चीजें दिखाएंगे घुमाएंगे, और इधर अलग ही गांव का अपना मजा है। तो बाबू भाई से थोड़ा सा पूछते हैं, छोटा सा ये जो गांव का एरिया है या जो इनके जो फैमिली के या इनके रिश्तेदार रहते हैं, वैसे तो बाबू भाई तो अब कराची में ज्यादा रहते हैं, लेकिन स्टिल इनका भी जो है यहाँ पे घर वर छोटा सा रूम वूम बने हुए हैं और सामान वामान भी काफी है। बाबू भाई ऐसा तो थोड़ा सा गाँव हमें जो दिखाएं, ये जो आपके जो लोग यहाँ पे रिश्तेदार हैं इनसे थोड़ा सा इनके जो घर वर थोड़ा सा दिखा। ये चलो, ये किसका घर है? ये मेरे भांजे का घर है। अच्छा, भांजे लीलाराम का घर है भाई, लीलाराम बाबू भाई के भांजे का घर है। और ये क्या खाना वाना बन रहा है? क्या बन रहा है? खाना बन रहा है भाई, ये देखो, ये भाई ये कलाड़ी पड़ा है नितेश, कपड़े धोने का, ये खाना तो बन रहा है, खाना वाना लकड़ियों पे बन रहा है, दिखाना जरा भाई। हमारे लिए बन रहा है, किसी और के लिए बन रहा है भाई? हमारे लिए बन रहा है भाई। और ये मैं अगर दिखा सकूं इससे थोड़ा सा उठा के, क्योंकि वैसे आज जल ना जाए। ये साग बकरा भाई, साग बकरा, सरसों का साग भाई, सरसों का साग और मक्की की रोटी, क्या बोलते हैं, चावल की रोटी, चावल की रोटी होगी, गंदम की, गंदम की रोटी जो है। अच्छा, तो ये साग बकरा भाई और गंदम की रोटी, और ये घर वाली इस तरह स्टाइल आप देख सकते हैं। और ये जो है देख सकते हैं गोबर, जो कि गैस के तौर पे मतलब आग जलाने के काम भी आता है, आप लोग को जरूर काफी इधर उधर हमारे सीमेंट लगता है, फर्श लगता है, इधर इसके भी ये गैस ऊपर चढ़ गई थी कल महेश भाई के काम देख सकते हैं भाई, कलरफुल पकड़ा बाबू भाई जी। जब हम निकल रहे हो ना जी कराची के लिए जी, दो दिन बाद तो गिन लेना बकरियां अपनी सारी भाई, एक आप चोरी करके नहीं लेके चला नहीं, ये खाने के लिए नहीं ले जाएंगे, इसको पालेंगे, तो बड़ा क्यूट है ये, देखो ना कलरफुल ब्राउन व्हाइट। क्या नाम है? सरवान। सरवान तुम जो नाम है? चाहे दिया हरेश। तहां जो नाम है? साईं मिठू। मिठू भाई, अच्छा कहाँ छा कंदा हो? बनी मारो कंदा ट्रैक्टर हलाईंदा भाई, जो ट्रैक्टर चलाते तो असांखे सुभाणे घुमाईंदा ट्रैक्टर से थोड़ो? हां पक्क अलाए बाबू भाई दे दिसो, हां हां ज्यादा चाबी बाबू भाई के पास है, ट्रैक्टर घुमाएंगे बाबू भाई को, ये कह रहे बाबू भाई डरा रहा है भाई बाबू। एक जो है श्याम, और उसके पास जो है क्या नाम था अपना दूसरा, कौन था? सुनील शेट्टी का नाम क्या था? शाम नहीं, राजू और शाम के पास एक बाबू भाई थे, एक हमारे पास बाबू भाई है। तो बाबू भाई कमांड आपको कटाई करवाएंगे, टाले में बिठाएंगे, कमांड मतलब जो है गन्ना। और थोड़ा सा आपको दिखाते, अच्छा एक और चीज दिखाता हूँ, आजा भाई जरा भाई, ये गोडाउन है, गोडाउन है, अच्छा गाय का जो है चारा वगैरह वो रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और ये भूसा भी कहते हैं सिंधी में, तो पलाल जाना जाता ना, कुटी कुटी वो वो, सुबह इसको नीतीश खाएगा। तो ये है, अच्छा एक और चीज है भाई, जरा नीतीश दिखा जरा भैया, ये है दिलो, हम सिंधी में तो दिलो बोलते हैं, मट भी चना चनाता, घड़ो भी चना, घड़ो घड़ो भी कहते हैं ना। तो इसके पानी पीने का अपना ही मजा है, और गर्मियों में भी ये जो ऐसा ठंडा पानी देता है, इतना कूलर का भी ठंडा पानी नहीं हो मतलब भाई, सोनी अबे सोनी माई वाले इसको लेके तो डूब गए थे, आप उठा सकते हो महेश भाई? बिल्कुल उठा सकते, इधर इधर कमर पे, बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये पकड़े आप, अरे ये तो फुल भरा हुआ। आ जाओ, ये देख सकते हैं कितने खूबसूरत सींग है इसके, और ये बकरिया बकरवा बकरी है, बकरी है, और ये नाराज हो गई है शायद, और बच्चे बड़ा हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और ये एक चीज आपको दिखाता हूँ कि ईंटे वगैरह जो है जो ब्लॉक यहाँ होते हैं, ये कराची में नहीं मिलते, ये गांव वगैरह में यहाँ पे ही होते हैं, और सिंधी में हम इसको सिरा भी बोलते हैं, तो ये इस तरह सिरा भी बोलते हैं, हाँ उर्दू में ईंट बोलते हैं, ईंट का ईंट, क्या ईंट का जवाब पत्थर से। और ये देखे महेश भाई के काम,
ऊपर चढ़ आए तो पूरी सर्वे करें ना कि कौन सी कहाँ लगेगी, कौन सी ईंट कहाँ लगेगी। फ्रेंड ये घर देख सकते हैं, ये भी मतलब रूम वगैरह थे, तो ये तूफान में गिर चुका है कुछ टाइम पहले, काफी तूफानी जो है हवा वगैरह, बरसात भी हुई था, तूफानी बरसात, और उसमें जो है गिरा था। तो वरा उठायो न, रिकॉर्ड हो रहा है ये। आ गया भाई, आ गया, क्या बात है, क्या बात। क्या बात है, ठंडा ठंडा पानी, कूल कूल गरम ही दो, ये तो लेने पे हुआ मैं सुबह ले था, तो देखा था ना पानी ना गरम हो तो जे हुआ बाहर में जरा पानी जैकेट कर दो ना मुखे ना कपड़े। हम लोग थोड़ा सा गांव की तरफ यही खेत वेत घूमने आए थे, चाय बन रही थी, हमने कहा चाय बन जाए जब तक, थोड़ा आसपास का जो है राउंड लगा लें, और अगर जो है थोड़ी लाइटिंग वगैरह या थोड़ी वीडियो का रिजल्ट लो लगे तो भाई कर लेना बर्दाश्त, क्या कहते हैं कि एडजस्ट कर लेना, क्योंकि ऐसा तो होगा क्योंकि लाइटिंग वाइटिंग नहीं, क्योंकि बिल्कुल आपको जो है असल जो गाँव की लाइफ वो दिखाने के लिए हम आए थे यहाँ पे, और सुबह में हम आपको खेत वेत भी दिखाएंगे, ट्रैक्टर वगैरह कैसे चल रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि आप एडजस्टमेंट करते हो हमारे साथ। और महेश भाई मुझे बार बार यू साइड से इशारा कर रहे कि मफलर का तो पूछो कि कैसा लग रहा है महेश भाई का मफलर, और जाहिर है जब उनके मफलर की बात आएगी तो अपना भी पूछूंगा। सही बात करो ना बाबा, करो ना नहीं बोलो करो ना। और ये आप देख सकते है ये फसल वसल कोई तैयार कर रहे हैं शायद अभी, मतलब उसमें जो है बीज वीज डाला गया है, और ये छोटी सी एक नहर बनी है जो बेसिकली जो है खेतों को पानी देने के लिए। आउट क्लास, बहुत टाइम बाद यार कराची से बाहर, और इस तरह मतलब गड्डा भी बीच में गए थे, लेकिन चाचा है चाहे ये क्या चीज है, सिंधी में चलता है वाटर, वाटर हाँ वाटर आई। अच्छा लोग बोलेंगे यार वाटर तो इंग्लिश का लफ्ज है, सिंधी में वाटर, असल में वाटर कोर्स चाचा ना के पूरा लफ्ज वाटर, लुगो वाटर, लुगो वाटर। तो भाई ये बेसिकली खेतों को पानी देने के लिए होता है, और इसको सिंधी में वाटर कहा जाता है, आप हैरान हो यार वाटर तो इंग्लिश में, लेकिन इसको नहर या जो भी पॉन्ड बना हुआ है इसको कहा जाता है वाटर, मतलब वैसे तो पानी। अगर मौसम ने साथ दिया तो सुबह इसमें नहाएंगे, अभी क्या इस मौसम में नहाएंगे, मैं तो नहाऊंगा नहीं भाई, अपन का तो नहीं है इरादा। देख सकते हैं नहर ये इस तरह जाती है खेतों में, बहुत से लोगों ने तो खेतों का माहौल दिखाया है, तो उनको कहेंगे कि आप भले जो है वीडियो को स्किप कर दे, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा तो हमारी ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है, या जो गाँव को अपने मिस कर रहे हैं लेकिन उस वक्त जा नहीं सकते। चाचा ये सरे हैं जो चाचू, और ये जो है सरसों का खेत है, सरसों के जो है फसल है, ये देख सकते हैं महेश भाई जो है चाय पी रहे हैं बिस्तर में घुस के, और लाइट नहीं है यहाँ पे गई हुई है तो इसीलिए फ्लैश से काम चला रहे हैं। नितेश ले जरा चाय ले, मैं तो क्यों काम कर रहा हूँ। महेश भाई चाय कैसी है, चाय तो अभी थर्मास वाली है आपको पता होगा थर्मास। नितेश बता अभी क्या कह रहा है, कह रहा है लकड़ियों पे बनी चाय है, मैंने कहा क्यों, कह रहा है दरख का टेस्ट आ रहा है, पेड़ का टेस्ट आ रहा है। नितेश कह रहा है ये नहीं बोलो, बोलेंगे भैया बोलेंगे, इसमें कौन सा बुरा है भाई वो बोलना नहीं, तो ऐसी क्या गलत बात है कि तू इतना वो कर रहे है। नितेश
ऐसा क्या है जो तू इतना वो कर रहा है? दरक का टेस्ट आ रहा है। अब थोड़ा सा शहर की तरफ सांगड़ की तरफ जा रहे थे, यहाँ बैठे चाय वाय पी ली थी, सर्दी काफी है और लाइट नहीं है यहाँ पे, अभी गई है लाइट। सोलर सिस्टम वगैरह है लेकिन वो भी बाहर इतनी लाइट वगैरह स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं लगी, और थोड़ा मोबाइल वगैरह भी चार्ज करना था, तो हमने कहा सिटी में जाते हैं और वहाँ कुछ खाने पीने का अगर मिल गया तो वो भी खाएंगे, आपको दिखाएंगे। वैसे भाई गाड़ी में बैठे, ये अंदर बॉस पहले से हमारे बैठ गए। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पे थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का इशू था जिस गांव में थे हम लोग, तो मैंने कहा यार पावर बैंक ले लेते हैं, तो भाई की शॉप पे आए। भाई नाम क्या आपका? इमरान भाई। तो यार पावर बैंक तो दिखा दो, कोई थोड़ा अच्छा वाला भी दिखाना और सस्ता वाला दिखाना। सही। अच्छा ये कौन सा है? अल्ट्रा थिन। एक ये है फ्रेंड्स। अच्छा ये जेमिस का है। अच्छा, और ये सैमसंग का। ये क्या एम एच क्या उसके किस तरह? 10,000 mAh है। 10,000 mAh तो डिफरेंस क्या होता है एम एच का? मतलब एम एच जिस हिसाब से मोबाइल का पावर होता है। हाँ। उस हिसाब से एम एच होता है। अच्छा और ये से हल्का है तो ये वाला हल्का। ये सैमसंग का है। ये सैमसंग का है। अच्छा अच्छा सही, चलो एक इसमें से ले लेते हैं। ये इसके कितना हो जाएंगे? इसके 1000। अच्छा अच्छा, एक स्पीकर भी चाहिए था असल में। हाँ, जिसमें ब्लूटूथ वगैरह लग जाए, क्योंकि फ्रेंड ये कि स्पीकर वगैरह भी ज़रूरी है, क्योंकि गाड़ी के टेप वेप तो ख़राब है। अब वो गांव में हमने थोड़ा सा सॉन्ग वगैरह भी सुन लेंगे, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। USB वगैरह चलेगा इसमें? जी जी बिल्कुल, ब्लूटूथ तो भी। अच्छा तो ये स्पीकर भी समझ आता है तो ले लेते हैं। और बाकी ये कि भाई की शॉप कहाँ पे है? ये पे मीरपुर खास चौक है और सांगड़ में। तो अगर कोई लोकल यहाँ का है तो इमरान भाई के पास ज़रूर आना, और उम्मीद करते हैं इस वजह से हमें डिस्काउंट भी देंगे ज़रूर। ठीक है ना? नहीं देंगे? मिल जाएगा डिस्काउंट रहेगा, बिल्कुल भी नहीं देंगे। अच्छा चले, तो मैं जो है स्पीकर वगैरह देखता हूँ फ्रेंड्स, और आप आगे वीडियो एंजॉय कीजिए। भाई ये गांव है वहीं पे सांगड़ में ही, तो एक घर में आए गांव के, तो ये भी गांव का आप घर देख सकते हैं किस तरह बना हुआ है, ये इस तरह का। और इधर आप देख सकते हैं, और ये बर्तन भी कुछ पड़े हुए हैं ऊपर छत पे। अच्छा ये देखें जरा पंखा ये किस तरह लगा हुआ, फैन। और ये रूम देख सकते हैं, बाबू भाई के इनके जो रिश्तेदारों का घर है। कौन है? देखी भी लग रही। करीना कपूर। कौन है? करीना कपूर है ना? करीना कपूर है। नहीं नहीं करीना कपूर नहीं, करीना है ना। करीना है। हाँ ना, पुरानी है पिक्चर, जब नई नई आई थी ना फिल्म इंडस्ट्री में। ये कौन है भाई इनका? रानी मुखर्जी। मुखर्जी लिखे ला, मुखर्जी रानी मुखर्जी लगे थी भाई। ये कमेंट करके बताइएगा कौन है ये, या तो रानी मुखर्जी लग रही पुराने जो स्टाइल में थी। अच्छा हुआ महिमा चौधरी। आप लोग कमेंट करके भाई बताना कि ये कौन है, महिमा चौधरी हैं या रानी मुखर्जी हैं। गलती मार के बैठ गए हैं ये। LCD ये हमारा पटेल है। बड़ा बुजुर्ग पटेल नहीं, नहीं भाई भले हमारे तो नहीं, जो बड़ा है जो एक रीत रस्म है, तो रीत रस्म तो अपने रिवाजों से होती है।
भैया सर्दी बहुत है तो आग जलाई है, ये आप देख सकते हैं आग जलाई है आग, और ये हमारा देख सकते हैं स्मार्ट बॉय आग जल रही है और बॉयल अंडा छिलका उतार रहे हैं। क्या करेंगे उसके बाद? अंडे का मजा ले, सर्दी का मजा ले। बड़ी खतरनाक लग रही है, इधर फैल बहुत रही आगे पीछे, मतलब हवा आ जाए ना, हवा की वजह से। तो भाई ठीक ठाक सर्दी है और पूरा खुला आसमान है, इस तरफ भी बिल्कुल हवादार। और ये देखते हैं ये हमारे सिंध का रवाज है आग, हाँ मच मारना इसको बोलते हैं, मच इसको मच बोलते हैं। और मच कचहरी भी होती है, मतलब आग जला के लोग चारों तरफ बैठ के गपशप करते हैं। और ये देख सकते हैं फुल एंजॉय कर रहा है। और हम लोग एक जगह गए हुए थे और वहाँ पे जो है काफी देर हो गई, अभी तकरीबन 11:30 हो रहे हैं। यहाँ पे तो 9 बजे 8:30 लोग सो जाते हैं तकरीबन, तो इसलिए यहाँ के भी लोग सारे। आज हमने वो लोग देखे जो हमारी वजह से जो है ना, जो 8 बजे सोते थे वो अभी 11 बजे हमारे साथ उठे। 8-9 बजे नहीं करते थे, 8-9 बजे सोने वालों को हम 11 बजे तक जगाए बेचारों को, जब भी वो बोलते थे कि 3 बजे तक हम बैठे रहेंगे तुम्हारे साथ। और हवा बहुत ज्यादा है फ्रेंड, इसलिए जो है आग ये स्पीड पकड़ी और बार बार शोले इस तरफ भी आ रहे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ रहा है इस चीज का, कपड़ों को आग नहीं लग जाए, तपिश बहुत है। तो बस ये कि इस व्लॉग को मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पे हम जो है एंड करें। बाकी एक स्पीकर जैसे को जो लिया था उसको थोड़ा सा ट्राई करेंगे, अगर सॉन्ग वगैरह कुछ चलता है तो थोड़े से वो सुनेंगे। बाकी फिर जो है नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको मिलेंगे और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें कोशिश करेंगे कि अगर नहीं की अभी तक तो आपको दिखाएं। और इसी तरह आम लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे, पब्लिक से मिलवाते रहेंगे, बिल्कुल नए व्लॉग के साथ मिलवाएंगे आपको। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अगर हमारा स्पीकर चला थोड़ा सा सॉन्ग वॉन्ग कुछ आपको भी एक झलक सुनवा देते हैं, ठीक है ना? बाय 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 बाय। असत यारन जाया रहूं, असत यारन जाया रहूं, असत यारन जाया रहूं, धुआं बहुत आ रहा है, धुआं बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है। ये भाई हमारा स्पीकर जो लेके आए थे, सही रहे, सही रहे, जल ना जाए, धुआं काफी है। कह रहा है कि हम तो यारों के यार है, सिंधी में मुमताज मौला ये सिंगर है, आजकल सिंध में बहुत ज्यादा हर जगह छाया हुआ है। कि बंदा होना भी यारों का यार चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं है जिंदगी का, जो बंदा यारों का यार होता है वो पूरी जिंदगी याद रहता है। असत यारन जाया रहो, अब हो गया है फाइनली ये व्लॉग एंड, ठीक है ना? अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, ब्रश भी करना है, ये देखे टॉवल ले लिया है। और ये देखे ये बाबूराव के स्टाइल है, स्कूल दानो जा। तो भाई ये बच्चे जा रहे हैं स्कूल, नालो छाए तांजो असल तांजो उमेंदली तांजो अख्तर के मेरी रावण साहब दे 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 दे। I'm not going to be able to do that.